मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा मूल्यांकन कार्य पत्रक 2, जो कि आपको मिला है 7 अगस्त 2021 को। ये हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसी के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कुल आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको अंक योजना भी दी गई है। जैसे कि 1 से 4 तक जो प्रश्न रहेगा वो आपका 1 अंक के हिसाब से है, 5 से 6 जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो 2 अंक के हिसाब से हैं और 7 से 10 तक के जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो 3 अंक के लिए रहेंगे। आइए सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। समझने के बाद हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। हम सभी जानते हैं औद्योगीकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगीकरण के फायदे तो हैं लेकिन साथ में नुकसान भी होते हैं, हानियां भी होती हैं और जो वायु प्रदूषण है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। ये उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे और जितनी ज़्यादा गर्मी हमारे पर्यावरण में फैलेगी उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग होगी और उतने ही दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है ये प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। इसका दुष्परिणाम ये होता है, दुष्परिणाम यानी कि बुरा परिणाम ये होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो कि बहुत ही विषैली होती है, हानिकारक होती है। आज मोटर वाहनों का यातायात तेजी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करती है जितनी एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। आप सोच सकते हैं अगर एक मोटर वाहन को हम 960 किलोमीटर तक चलाते हैं तो वो उतनी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है जितना कि एक आदमी को पूरे एक वर्ष में चाहिए होती है। दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। आशातीत यानी कि उम्मीद से परे, आशा अतीत, उम्मीद से बिल्कुल परे। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि रेल का यातायात भी काफ़ी बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज, रबर आदि के कारखाने तेजी से बढ़ रहे हैं। रंग वॉर्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के लिए कारखाने बढ़ रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं। ये अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं। ये प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता, वायु प्रवाह में वह सारी दुनिया में फैलता रहता है और इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहा तो बहुत अधिक चिंता का विषय बन जाएगा। इस पर कोई ना कोई नियंत्रण करना आवश्यक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी के आधार पर आपसे सभी प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 10 प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। शब्द यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, मिसप्रिंट है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आप अच्छे से जानते हैं वायु को हम हवा भी कहते हैं, वायु को हम अनिल भी कहते हैं। अनिल हमारा वायु होता है और अनिल हमारा आग का पर्यायवाची शब्द होता है। वायु को हम हवा भी कहते हैं, वायु को हम अनिल भी कहते हैं। अनिल हम वायु को कहते हैं लेकिन अगर अनिल शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा आग का पर्यायवाची शब्द होता है। इस प्रकार से आपको एक पर्यायवाची लिखना था, आप यहाँ पर एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आदमी शब्द का तत्सम शब्द होगा। आदमी हमारा क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आदमी शब्द का तत्सम शब्द होगा मनुष्य। आदमी हमारा तद्भव है और अगर हम इसका तत्सम रूप लिखेंगे तो मनुष्य हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको हम परिवर्तित करके तद्भव शब्द के रूप में आदमी कहते हैं। दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द होगा। दुनिया को हम संसार भी कहते हैं, दुनिया को हम जग या जगत भी कहते हैं। कोई भी शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गर्मी शब्द का विलोम शब्द होगा। तो गर्मी का विलोम यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द पूछा गया है तो गर्मी का हमारा क्या होगा? सर्दी। गर्मी, सर्दी। आशातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। आशातीत शब्द में आशा हमारा मूल शब्द है और हमें लगता है तीत हमारा प्रत्यय होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ शब्दों को हमने तोड़ना नहीं है बल्कि समझना है। आशा हमारा मूल शब्द है और अतीत हमारा यहाँ पर क्या है? प्रत्यय।
अतीत हमारा क्या होगा प्रीते, और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा शब्द बनता है आशातीत, यानी आशा अतीत यानी कि आशा से परे, जिसके बारे में हम आशा भी नहीं करते, उम्मीद भी नहीं करते। दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। दुष्परिणाम शब्द में आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, तो यहाँ पर हमें लगता है दू और श, ये वाला श हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला श हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। देखने में हमें लग रहा है यहाँ पर दुष्परिणाम में दुस हमारा क्या होगा उपसर्ग, ये वाला स यहाँ पर आएगा दुस और हलंत के साथ, इसका अर्थ होता है बुरा, तो दुष्परिणाम यानी कि बुरे परिणाम, दुष्परिणाम, दुष हमारा क्या होगा उपसर्ग होगा और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा परिणाम। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है, हमें सिर्फ ऐसे ही इसको अलग अलग नहीं करना कि यहाँ पर ये वाला श प्रयोग किया गया है तो हम यहाँ पर दुष लगा देंगे, ये हमारा उपसर्ग सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये वाला स हमारा उपसर्ग के रूप में आएगा जिसका अर्थ होता है बुरा। इस प्रकार से दुष हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है परिणाम। आगे पूछा गया है धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। धुएं में औद्योगिकरण की वजह से, बहुत सारे कारखानों की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है, तो गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, कारखानों में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, तो यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हैं अपने गद्यांश में, ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले जो संयंत्र होते हैं उनमें क्या निकलती है गर्मी निकलती है, जिनका हम किस में प्रयोग करते हैं उद्योगों में प्रयोग करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से क्या निकलती है गर्मी निकलती है, और ये उद्योग जितने बड़े होते जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा गर्मी को पर्यावरण में फैलाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से क्या निकलती है गर्मी निकलती है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। यहाँ पर आपने देखा गर्मी इस तरीके से लिखा गया है, और ऊपर जो हमारा विलोम शब्द पूछा गया था उसमें गर्मी इस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूपों को शुद्ध माना जाता है। अगर ये वाला गर्मी आता है तो इसका विपरीत अगर पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे सर्दी, इस तरीके से। अगर ये वाला गर्मी पूछा जाता है तो इसका विपरीत अगर हमें लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, तो इस तरीके से फिर हम इसका क्या लिखेंगे सर्दी। वायु प्रदूषण किस कारण तेजी से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण औद्योगिकरण के कारण तेजी से बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग और कारखाने लगाए जाने की वजह से विषैली गैसें वातावरण में मिल जाती हैं जिसकी वजह से वायु बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है। आज का युग किस तरह का युग है, आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिकरण का युग है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है, अनेक नए नए अनुसंधान और आविष्कार किए जा रहे हैं, औद्योगिकरण की वजह से नए नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं जिनका हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के दुष्परिणाम हमारे सामने वायु प्रदूषण के रूप में आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आ रहे हैं, अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां होती जा रही हैं जिनका इलाज ढूंढ पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से ये हमारे कुल प्रश्न दिए गए थे, 10 प्रश्न दिए गए थे जो कि हमारे गद्यांश के ऊपर आधारित थे, बड़ा ही अच्छा गद्यांश था, और इसको पढ़ने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें वायु प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है। अगर इसी प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे लिए सांस लेना भी दुर्बर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए मूल्यांकन कार्य पत्रक के साथ, किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।